द्वारा बनाई जा रही हिनौती मुख्य सड़क मार्ग से लेकर नदहिन गौशाला तक की लगभग 4 किलोमीटर लंबाई वाली 1 करोड़ की लागत की सड़क की हालत खस्ता हो चली है। गौरतलब है कि पूर्व कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के कार्यकाल में स्वीकृत इस सड़क का कार्य वर्ष 2022 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन बरसात आते ही जुलाई और अगस्त महीने 2023 में सड़क कई जगह से बह गई, जो उसके घटिया और खराब गुणवत्ता दर्शाती है। बताया गया कि सड़क के ठेकेदार पुष्पराज सिंह द्वारा गांव के नजदीकी खेतों से मिट्टी और मोरू मुफ्त में लेकर सड़क पर डंप किया गया था और ना तो रोलर चलाए गए और ना ही सड़क निर्माण के मापदंडों का पालन किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बरसात आते ही सड़क कई स्थानों से पानी में बह गई। बताया यह भी गया ठेकेदार मौके पर कार्य देखने तक नहीं आया और गांव के ही ब्रिजेंद्र सिंह और संजू सिंह के सड़क निर्माण का कार्य सौंप दिया था। मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 टीपी गुरुद्वार के समक्ष की गई थी, जिसमें बताया गया कि सड़क पर निर्माणाधीन पुल के लिए घटिया सफेद गिट्टी और क्रेशर की डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद दिनांक 21 नवंबर 2023 को कार्यपालन यंत्री टीपी गुरुद्वार सहायक यंत्री मीन चतुर्वेदी और उपमंत्री सहित ठेकेदार पुष्पराज सिंह एवं सेदहा ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिक भूतपूर्व सरपंच राजमणि सिंह, रितेश सिंह, गेदराज सिंह, राजबली सिंह, सेदहा सरपंच पति पुष्पराज सिंह, जयप्रकाश त्रिपाठी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी उपस्थित रहे और जांच में पाया गया कि मौके पर घटिया क्रेशर की डस्ट और गिट्टी का डंप किया गया था। मामले को समय पर भागते हुए कार्यपालन यंत्री टीपी गुरुद्वार सहित सहायक यंत्री मीन चतुर्वेदी और सीईओ गंगेव राहुल पांडे के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई, तो चुनाव आचार संहिता के दौरान ही पुलिया निर्माण में अमानक सामग्री का प्रयोग करते हुए पाया गया। इस प्रकार जनता के टैक्स के पैसे को हजम कर सरकार को पलीता लगाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन समय पर शिकायत करने के बाद कार्यपालन यंत्री की जांच में सच्चाई सामने आ गई और ईईटीपी गुरुद्वार के तत्काल मटेरियल हटाए जाने और गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराए जाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि ठेकेदार ने जांच के दौरान दबाव भी बनाने का प्रयास किया, जिसमें अपने घटिया गुणवत्ता विहीन कार्य को लेकर तर्क भी दिए, लेकिन सच्चाई यह थी कि मौके पर सड़क मार्ग कई स्थानों से टूटा हुआ मिला एवं मौके पर डस्ट और गुणवत्ता विहीन मटेरियल भी डंप किया गया, जिसमें तत्काल हटाए जाने के निर्देश कार्यपालन यंत्री द्वारा दिए गए। अब देखना यह होगा कि हिनौती मुख्य मार्ग से लेकर नदही गौशाला के लिए बनाए जाने वाली ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की यह लगभग 4 किलोमीटर की लंबाई वाली सड़क अपने सही मापदंडों के अनुरूप बन पाती है अथवा नहीं।
अगर मैं किसी बात को लेके आपसे अपने तकलीफ व्यक्त करना चाहता हूँ और जो आप फोन न उठाएंगे तो उसकी बात करें, ये पुष्पराज सिंह जी कहते हैं, पुष्पराज ना है ना, पुष्पराज इस रोड में बनाने में कितने परेशानी की आप आए थे, बिल्कुल हम कई बार आए हैं। आपके आपका क्या प्रयास रहा है रोड को बनवाने? नहीं हम बिल्कुल आए हैं, हम ही लोगों ने चलिए ठीक है वही बात आप भी बोल रहे हैं, हमको लगाते ना डाला क्या नहीं हम क्या हमारा नंबर किसी से ले लेते हैं हमको लगाते आप ये बताओ नंबर है बेटू साहब ये नहीं यूज होगा मटेरियल की बात हो गई वो मालूम आ गई मालूम है उसको बात हो चुकी है उस चीज के लिए बेस मत यहाँ का पानी आगे कर इनमें एक आदमी तो यहाँ विजयन सिंह नाम के हैं तथा कथित सरपंच रहे होंगे उनकी माता जी थी उनको इन्होंने रखा इन्होंने कि हम व्यवस्था बना रहे हैं के नाम पर दोनों धुड़ी निकाल दी अब हमने अपने खेत के बीच से रास्ता दिया सर और समझिए यहाँ पूरी पहाड़ी का पानी वहाँ इकट्ठा होकर इतना तेज मारता है खेतों की धुड़ी निकाल दिया ना निकाल दूसरी लग जाएगी वहाँ पे पहली बात ये इसी के लिए मैंने इनको भैया को इतनी बार 2000 बार फोन किया होगा इन्होंने इनसे पूछे इनके पास गिरीश सिंह का फोन और सारे मतलब जितने बड़े आदमी हैं शायद इनका भाई बड़े आदमी एक साथ उठते बैठते हैं जिले के सारे बात नहीं हुई गिरीश सिंह से कभी नहीं अभी लगाइए फोन तो चलो ठीक है डोडरी पर डोडरी लगाना है वहाँ पे डोडरी लग जाएगी और तू तू मैं सिंह नहीं नहीं लगा देंगे लेबर मिस्त्री जाऊँ आप मतलब क्या शुभ नाम है आपका हमारा सत्य प्रकाश तिवारी मतलब ये कौन सा कार्य आप यहाँ पे कर रहे हैं अभी हम तो बताया गया है कि माल को देखना है गिरेगा तो कोई यहाँ से चोरी चमारी न कर अच्छा 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 और हम रहते हैं यहीं पर कहाँ ये आदिवासी बस्ती है मतलब आप यहाँ पे परमानेंट नहीं रह रहे ना वैसे रह रहे हैं परमानेंट है 15 दिन से हम जब से माल गिरा अच्छा 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 15 दिन तब से हम यहाँ रह रहे हैं माल दे वैसे आप हैं कहाँ के हमारा तो घर यहीं पड़ता है मैहर के पास अच्छा ये जो काम है ये कौन से कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा किया जा रहा है कौन है इसके प्रोपराइटर मतलब कॉन्ट्रेक्टर इसमें एक पुष्पराज सिंह करके हैं और एक मिश्रा जी करके हैं ये काम कर रहे हैं हाँ तो क्या क्या इनके द्वारा काम किया जाना था मिश्रा जी क्या नाम मिश्रा जी का नाम रोहतम प्रसाद मिश्रा जी जी भाई के हैं हाँ तो थोड़ा सा इधर आप देखिए तो जैसे ये काम आपको कब से दिया गया है हम अभी एकदम एक्चुअली 15 दिन हुआ 15 दिन हुआ है तो क्या 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 काम आपके सुपुर्द किया गया है अभी कुछ नहीं किया गया मतलब यही कि माल देखना है माल गिरवा लिए कि हाँ इतने इसकी कस्टडी आपको करने के लिए हाँ, यहाँ पे रखा और अभी तक कुछ काम नहीं सीमेंट गिर गया है रेता गिर गया क्या शुभ नाम पूरा आप लिखते हैं हमारा नाम सत्य प्रकाश तिवारी है ठीक ठीक राजबली सिंह परिहार ग्राम पंचायत सिदहा का मूल निवासी हूँ ये हमारे यहाँ रोड का निर्माण हो रहा है पिछले साल से रोड का निर्माण चल रहा है और ये सबसे ज़्यादा शासकीय भूमि हमारे यहाँ गदही नामक स्थान में है जहाँ की बहुत बड़ा गौशाला भी बना हुआ है ये इलाइया राजा टी पिछले साल इसको आए थे देख के यहाँ से रोड का काम भी ये दिए थे और इस रोड में काम तो जो हुआ है तो हुआ ही है इसके साथ साथ पुलिया का काम चल रहा है पुलिया में जो गिट्टी डस्ट जो लाया गया है अभी मटेरियल काम में लगा नहीं है लेकिन जो आके रखा गया है काम के लिए ही रखा गया है जो रखा हुआ है मटेरियल वो बिल्कुल ही क्वांटिटी क्वालिफाइड नहीं है वो किसी भी तरह से डस्ट है क्रेशर से यही लोकल क्रेशर से डस्ट और गिट्टी ले आके डाले हैं जबकि ये पूरा गुणवत्ता विहीन है इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है और अगर इसमें इस ठेकेदार को हमारी लोगों की मांग है कि इस ठेकेदार को करके ये जो गिट्टी डस्ट जो डला हुआ है इसको यहाँ से उठा ले जाए और अच्छी गिट्टी ले आके यहाँ डाले और अच्छी तरह से रोड का निर्माण करे पुलिया का और डस्ट डस्ट और गिट्टी दोनों गुणवत्ता विहीन है इसमें मैं रितेश प्रताप सिंह ग्राम पंचायत सदहा से आप ये रोड देख रहे होंगे हमारे पास ये रोड जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये रोड बनाई गई थी जिसकी खुद की रोड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी हम लोगों ने इसके लिए एक वीडियो पहले भी कलेक्टर मैडम को दिया हुआ है और इसके बाद अब यहाँ पुलिया निर्माण हो रहा है पुलिया निर्माण में जिसमें इन लोगों ने डस्ट का प्रयोग किया है जो कि उनके पैरामीटर में है नहीं और गिट्टी जो यूज की गई है वो भी थर्ड ग्रेड की है जो उस ग्रेड से नीचे है जिस ग्रेड की होनी चाहिए
तो जब इस तरह का मटेरियल ये पुलिया में यूज कर रहे हैं, आए दिन भविष्य में कोई भी यहाँ बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो ऐसे ठेकेदार जो हैं जो जनता के साथ सरकार के पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो इनको या तो सरकार टर्मिनेट करे, चुनाव आयोग इन पर संज्ञान ले और ऐसे ठेकेदार से काम ले के, ये काम रुकवा के ढंग से काम करवाती हो तो करवाए, वरना हम लोग इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे ग्रामीण जन, क्योंकि ये हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा चलने वाली रोड है, जो कि सबसे ज़्यादा सरकारी भूमि वाली क्षेत्र को, जहाँ इलैया राजा टी जी ने सबसे बड़ी गौशाला दी थी, उन्हीं की दी हुई रोड है और इसके साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आप कार्यपालन मंत्री हैं, ग्रामीण सबसे वरिष्ठ अधिकारी एक संभाग में होता है वो आप हैं, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी इसकी जो आपकी रोड है कितने किलोमीटर की और इसकी कितनी लागत है? दो पार्ट में है, दो दो किलोमीटर, चार किलोमीटर की रोड, चार किलोमीटर की लागत की लागत की ₹64 लाख दोनों रोड के मिला के मटेरियल का है, बाकी लेबर का लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने का होगा सब मिला करके अंदाजा? लगभग दोनों मिला के 87 लाख चाहिए, मोटा मोटा इंसान 90 लाख रुपए मान लेते हैं अपन, चार किलोमीटर। और ये जो पुल आप बना रहे हैं इनका क्या अलग से है, कुछ ही मिनट अलग से? अलग से कितने कितने की लगभग पुल होंगी? ये है 14 लाख। अच्छा, 14 लाख की एक है ना, मतलब एक जो स्टैंडर्ड रपटा निर्माण जो ग्राम पंचायतों में होता है, जिसकी अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, ये हो रहा है ना, 14वें वित्त आयोग से है, उस तरह से। अच्छा, अब थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि इस रोड की चौड़ाई कितनी होती है बेस से लेकर के और ऊपर तक आने में, किस तरह से इसमें लेयर पड़ती है? 3 लेयर में होगा काम जी, पहली लेयर अर्थवर्क, दूसरी लेयर होती है चौड़ाई, चौड़ाई उसकी चौड़ाई, अब टॉप चौड़ाई तो 6 मीटर है नीचे वाली, और नीचे 1-2 के स्लोप के हिसाब से अलग अलग 30 फीट के आसपास रहती है। हाँ, नीचे 30 तो नहीं रहती है, 30 फीट के आसपास रहती है, 9-9.5 मीटर समथिंग है ना, ऐसे ही ना, और ऊपर वाली आकर के 6 मीटर के आसपास हो जाती है, ठीक है ना। इसका इसका टॉप क्या? शुभ नाम है आपका? शुभ नाम पंकज परिहार है, मैं ग्राम पंचायत सिदहा का निवासी हूँ। मेरी एक अपील थी कि अभी ये ग्राम पंचायत सिदहा में मगरदहा के लिए रास्ता बन रहा है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पे मुर्मीकरण हुआ था, उस मुर्मीकरण में ये था कि पहली बारिश हुई थी और पहली बारिश में पूरी रोड बह गई थी, वहाँ पे जब पहले ही बना था तो वहाँ पे अपन को डालना था, पुल बनाना था, तो पुल वगैरह डली नहीं थी। अब भी मैं छुट्टी में आया था तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कंक्रीट, सीमेंट और गिट्टी और इस तरीके के मटेरियल गिरे हुए हैं, जो गिट्टी गिरी हुई है वह मेरे हिसाब से नहीं कि वो गिट्टी उपयोग में आनी चाहिए, वो गिट्टियाँ जो हैं सही गिट्टी नहीं है, जो नंबर होता है 30-20 जो भी लगता है डस्ट वहाँ पे जो गिरी हुई है वो वहाँ पे बालू होना चाहिए था, इसको क्या लगता है आपको डस्ट को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा यही कहना है कि वो काम अगर कोई भी सरकार नगर ने निर्धारित किया है, जिनको टेंडर मिला है, जिन्होंने टेंडर भरा है, उस काम को सही तरीके से किया जाए, नहीं तो वो 2-4 साल में फिर से बिगड़ जाएगी और सरकार का पैसा अपव्यय होगा, और इस तरीके में कितने बार टेंडर होंगे और कितनी बार वो बनेगी। आपका शुभ नाम? नेंद्रराज सिंह। कहाँ, किस ग्राम पंचायत, कहाँ के निवासी हैं? मैं सदा। अच्छा, ये जो आपकी भमरिया की ये जो रोड हम देख रहे हैं, हिनौती से लेकर के गदही गौशाला की तरफ जाती है सदहा से होते हुए, यहाँ पर पुलियों का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर जो मटेरियल पड़ा हुआ है बहुत ठीक ठाक नहीं समझ में आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मटेरियल तो जो पड़ा है तो डस्ट गिट्टी है देखने में। क्या लगता है आपको बनने के बाद में इसका क्या रहेगा? अब क्या होगा, फिर से बह जाएगी, वहाँ रपटा बनना चाहिए, कंक्रीट रपटा बनना चाहिए, वो बांध है ऊपर, और खाली ऐसे मिट्टी की रोड रहेगी तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ 2-3 दिन निकलने जैसा हालत नहीं रहती, मेन रोड कुछ दिखता नहीं, वो बह जाएगी।